गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस का क्लास। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर चुके हैं, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ लाइट। लाइट का यूज, लाइट के जो यूजेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, लिसन केयरफुली बेटा। यूजेस ऑफ लाइट, रोशनी, प्रकाश का प्रयोग, उसके क्या क्या प्रयोग है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ लाइट इज टू सी द थिंग्स अराउंड अस। मोस्ट कॉमन यानी कि मोस्ट कॉमन है, यूज है, कैसा यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन यूज है, सामान्य है कि हम लाइट का यूज किसमें करते हैं, थिंग्स को, चीजों को देखने के लिए जो कि हमारे चारों तरफ होती है, हमारे चारों तरफ वस्तुएं होती है, जो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको देखने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं। सभी करते हैं बेटा, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, सभी क्या करते हैं लाइट का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉमन यूज है क्या कि अपने चारों तरफ की वस्तुओं को, थिंग्स को देखने के लिए। बट लाइट हैज सम वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस आल्सो। लेकिन लाइट के कुछ और इम्पोर्टेंट यूजेस भी हैं, वो क्या है। फर्स्ट इज प्लांट्स यूज द सनलाइट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट्स जो है बेटा वो सनलाइट का यूज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस में सनलाइट का यूज करते हैं। ये फर्स्ट यूज है। एंड सेकंड, सोलर लाइट इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। सोलर लाइट यानी कि सनलाइट है जो हमें हमें सन से मिलती है, वही सनलाइट को किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत एनर्जी, ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। किसके हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से। सोलर पैनल की हेल्प से हम जो सनलाइट है, जो सन से जो हमें लाइट मिलती है, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। दिस सोलर एनर्जी यूज इन मैनी वेज। और ये जो सोलर लाइट से हमने जो सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस की है, वो एनर्जी, वो सोलर एनर्जी कई तरीकों से यूज होती है, सच एज टू हीट वाटर, लाइट स्ट्रीट लैंप एंड ट्रैफिक लाइट्स। और ये कई तरीकों से होती है, जैसे सच एज वाटर को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए हम उस एनर्जी का यूज करते हैं, उस लाइट स्ट्रीट लैंप्स यानी कि जो गलियों की जो लैंप्स है उनको लाइट करने के लिए, उनको लाइट अप करने के लिए यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक में जो रोड के आसपास ट्रैफिक के लिए रेड ग्रीन लाइट होती है ना, जो उन लाइट में भी इस एनर्जी का यूज करते हैं। सोलर लाइट इज आल्सो यूज बाय सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड। और सोलर लाइट का यूज सोलर कुकर के द्वारा फूड को कुक करने के लिए भी करते हैं, राइट। सोलर लाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। उस एनर्जी का यूज होता है पानी को गर्म करने के लिए, गलियों के यानी कि स्ट्रीट जो लैंप है उनको जलाने के लिए, और ट्रैफिक जो लाइट्स है उनके लिए हम उसका यूज करते हैं। और सोलर लाइट का यूज और किसमें करते हैं, सोलर कुकर के द्वारा फूड को कुक करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी क्लिक पिक्चर्स यूजिंग कैमराज बाय यूजिंग लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। और हम जो पिक्चर क्लिक करते हैं कैमराज के द्वारा, जो हम अपने कैमराज का यूज करके, कैमरे का यूज करके जो पिक्चर क्लिक करते हैं, उस वो पिक्चर क्लिक कैसे करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसका यूज करके हम उसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर को अपने कैमरा के द्वारा क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इज शैडो, परछाई बेटा। शैडो मीन्स परछाई। शैडोज आर फॉर्म बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। शैडो बनती है क्योंकि जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के से गुजरती नहीं है, राइट। यानी कि जब शैडो कब बनती है, क्यों बनती है, शैडो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट से लाइट गुजरती नहीं है, पास नहीं होती, तब उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। एज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता ही है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक इट,
और जब एक ऑब्जेक्ट इसे ब्लो करता है, मैं सीधी लाइन में जा रही है और कोई ऑब्जेक्ट इसे जब यहाँ ब्लो करता है, ये ऑब्जेक्ट है लाइक बॉल है, बॉल है, ठीक है, ये इस लाइट को यहाँ पे ब्लो कर देता है. द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रीच द अदर साइड, और जो लाइट जो इसके ऊपर पड़ रही है, जो ये इसके ऊपर गिर रही है, वो अदर साइड नहीं जाती, उसके पास नहीं होती. एंड देयरफॉर, और इसीलिए दैट पर्टिकुलर रीजन बिकम्स डार्क, और जो पर्टिकुलर रीजन यानी कि जो विशेष है, इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है. जितना पार्ट इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया हुआ है उतना पार्ट कैसा हो जाता है, डार्क बन जाता है. एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज लाइटेड एज देयर इज नथिंग टू स्टॉप लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू दैट एरिया. और जो ये बचा हुआ पार्ट है जिसपे लाइट क्या है, लगातार जा रही है, ये रुक नहीं रही, इसकी ये स्टॉप नहीं हो रही है, और ये ऑब्जेक्ट ने, इस बॉल ने इस लाइट को यहीं पे स्टॉप कर लिया है, तो इसकी अदर साइड क्या है, लाइट पास नहीं हो रही. तो जितनी जितने एरिया को इसने कवर किया है उतने ही एरिया की इसकी क्या बन गई बेटा, शैडो बन गई. द शैडो कुड बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, अ वॉल, और ऑन द ग्राउंड. मीन्स जो शैडो है वो कहाँ बन सकती है बेटा, स्क्रीन के ऊपर बन सकती है. लाइक जैसे मेरी शैडो अब आपको हल्की सी दिखाई दे रही होगी, ये इस बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, राइट. बोर्ड नहीं होगा तो किसके ऊपर, वॉल के ऊपर आपको बनी हुई दिखाई देगी, और वॉल बोर्ड कुछ नहीं होगा तो ग्राउंड के ऊपर बनती हुई दिखेगी. इट मीन्स जो शैडो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो शैडो है वो कहाँ पे बनती है, स्क्रीन पे बनती है, या फिर वॉल पे, दीवार पे बनती है, या फिर ग्राउंड पे बनती है. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजेस ऑफ लाइट एंड शैडो. लाइट के यूजेस बेटा मैंने नंबरिंग 3 की किया, मोस्ट जो इनकॉमन है वो भी इसी में ही काउंट होगा, तो 4 यूजेस हो गए बेटा. राइट, कितने यूजेस हो गए, 4 यूजेस हो गए. ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बेटा अबाउट शैडो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सोर्स ऑफ लाइट, जब ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स के नजदीक होता है, क्लोज होता है, इट ब्लॉक्स मोर ऑफ द लाइट रेज, तो वह लाइट की किरणों को, ज्यादा किरणों को ब्लॉक करता है. द ऑब्जेक्ट देन मेक्स अ बिग शैडो, और वह ऑब्जेक्ट कैसी शैडो बनाता है, बड़ी शैडो बनाता है, बड़ी परछाई बनाता है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और जब ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स से दूर होता है, इट ब्लॉक्स अ लेसर अमाउंट ऑफ लाइट एंड दस फॉर्म अ स्मॉलर शैडो. मीन्स जब वो ऑब्जेक्ट से दूर होता है तो वो कम लाइट को ब्लॉक करता है, और शैडो कैसी बनती है बेटा, स्मॉलर बनती है, छोटी बनती है. ऐसे जैसे ये टॉर्च है, यहां से लाइट जा रही है, राइट, और यहां पे इसके पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसने सारी ही लाइट को ब्लॉक किया हुआ है, तो इसकी शैडो कैसी बनेगी, इतनी ही बड़ी बनेगी, बिग बनेगी. और जैसे अब ये लाइट है, यहां से ये लाइट जा रही है बेटा, ऐसे फ्लैश जा रहा है टॉर्च का, और ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, तो देखो बेटा लाइट मीन्स लाइट को, कम लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो इट मीन्स इसकी शैडो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, राइट. जब ऑब्जेक्ट क्या, ये बॉल जो है ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स के नजदीक होता है, पास होता है, तो शैडो कैसी बनती है, बिग, बड़ी बनती है. एंड जब ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स से, लाइट का जो सोर्स है जहां से लाइट आ रही है उससे दूर होगा, तो शैडो कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.